हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल लाई पाता दिए मसूर दाल रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और ले लेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमने 4 ग्लास पानी लिया है, अभी इसमें हम डाल देंगे। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में ले लिया है 1 कप मसूर दाल और अभी इनको हम अच्छे से धो लेंगे। मसल मसल के दाल को 2 से 3 बार हमें धोना है। तो देखिए हमने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है, अभी इनको डाल देते हैं कढ़ाई में। तो दाल को हमें अच्छी तरह से बॉयल करना है। 10 मिनट हो चुका है और हमारा जो दाल है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अभी हम दाल में डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी हल्दी को अच्छे से दाल के साथ मिला लेंगे। और अभी दाल को हम विस्क कर लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हमारा जो दाल है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे रफली चॉप्ड लाई पाता। और इनको दाल के साथ अच्छे से मिला लेंगे और ढककर रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, ताकि जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन को उठा लेंगे और देखिए ये जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो अभी हम इस दाल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने दाल को एक बर्तन में निकाल लिया है, अभी छौंक लगाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। साथ ही में डाल देंगे 2 तेज पत्ता। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच 5 फोरन और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये थोड़ा सा भून चुके हैं, अभी इसमें हम डाल देंगे दाल। तो हमने दाल डाल दिया है, अभी इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च और इनको फिर से उबालेंगे 2 से 3 मिनट तक। हो चुका है और हमारा दाल भी बिल्कुल तैयार है, अभी गैस को बंद कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।